कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्न किया गया। कॉर्न करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा, जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्स की तरफ उन्होंने फेंके और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया। रात होने के बाद ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया, कॉर्डन जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा और रात भर और सुबह फर्स्ट नाइट पर हमने फिर सरेंडर की अपील की। लेकिन जब भी हमने सरेंडर के लिए अपील की, अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगातार ग्रेनेड फेंके, तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे और जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज किया सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और इस कार्रवाई में तीनों के तीन मारे गए। थैंक यू। एज फार एज आइडेंटिटी ऑफ दिस स्लेन टेररिस्ट इज कंसर्न, एज यू आर अवेयर ऑपरेशन सिर्फ 11:30 बजे खत्म हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन लोग थे, कौन किस तंजीम के थे, और जो भी डिटेल इसके बाद इमर्ज होंगी वो मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी।